गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थी। परसों हमने जो क्लास ली थी शनिवार को, उसमें हमने असंयोगी अंतर जातीय संबंध को पढ़ा था कि दो जीव किस प्रकार एक दूसरे से असहयोग की भावना रखते हैं और उनके बीच कैसा संबंध होता है। असहयोगी अंतर जातीय संबंध में हमने विरोध के तीन टाइप थे उनको पढ़ा था और एक जो टाइप हमारा रह गया था वो थी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिशन। देखिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा होती क्या है, इस चीज को आप समझिए। देखिए जब एक ही क्षेत्र में ऐसे दो जीव रहते हैं जिनकी आवश्यकताएं समान है, अर्थात आवास कह दीजिए, स्थान कह दीजिए या भोजन कह दीजिए, कोई भी ऐसी चीज जिस पर दोनों जीव निर्भर है, तो दोनों जीव जब उस वस्तु को प्राप्त करना चाहेंगे तो क्या होगा, उनमें प्रतिस्पर्धा होगी। अब प्रतिस्पर्धा होगी तो क्या होगा, हमेशा जब दो जाति के जीव आपस में संघर्ष करेंगे, लड़े करेंगे, तो दोनों जातियों को ही नुकसान होगा। प्रतियोगिता का मतलब यही है, क्योंकि देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन होगा, आपने देखा है कि उसमें जितने भी प्रतिभागी भाग ले, विजेता हमेशा एक। अर्थात जब दो जीवों की प्रजातियां जिनकी संख्या अधिक है और आपस में संघर्ष कर रही है किसी भी आवश्यकता के लिए, तो उनमें लड़ाई होगी और दोनों ही जीवों की जातियों को क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन अपन को पता है विजेता एक है, अर्थात वो वस्तु किसी एक को ही प्राप्त होगी। अब कई बार क्या होता है, भिन्न भिन्न जातियों की आवश्यकताएं भी क्या होती है, अलग अलग होती है, इसलिए प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब प्रतियोगिता का बेसिक मतलब क्या है, आपस में प्रतिस्पर्धा होना, और जो विजेता होगा वो तो क्या रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, और जो हार चुका है उसे या तो वो स्थान छोड़ना पड़ेगा या वो क्या होगा, मारा जाएगा। तो अपन बेसिक जो प्रतियोगिता की डेफिनेशन है अब अपन उसको देखते हैं। प्रतियोगिता एक प्रतिकूल प्रक्रिया है जिसमें दोनों समिष्टियां मतलब संख्या या जीव संख्या कहते हैं जिसको, या जनसंख्या भी कहते हैं, जिसमें दोनों समिष्टियों की संख्या का ह्रास होता है। यह क्रिया जनन, आहार और आवास के लिए होती है। अर्थात जब भी दो जातियों के जीव लड़ेंगे तो क्या होगा, उनमें दोनों ही जातियों को नुकसान होगा, और ये जो लड़ाई हो रही है वो जनन के लिए भी हो सकती है, आहार भोजन के लिए भी हो सकती है और आवास के लिए भी हो सकती है। नेक्स्ट जो अंतर जातीय संबंध है उसको वैज्ञानिक बॉस ने समझाया था। वैज्ञानिक बॉस ने क्या कहा था उसको समझिए।
गॉस ने यह कहा कि दो जातियों के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का आक्रमण होता है। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जब दोनों प्रकार का आक्रमण होगा तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जीवों की संख्या में क्या होगा, कमी होगी। अर्थात जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से समान आवश्यकता के लिए दो जीव जब लड़ाई करेंगे तो क्या होगा, हमेशा जीवों की संख्या का ह्रास होगा। अब अगर अलग अलग आवश्यकता हो जाती है, अगर जीवों की आवश्यकता अलग अलग है तो ऐसी कंडीशन में प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए एक वैज्ञानिक थे गॉस, जिन्होंने क्या है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा को एक दो उदाहरण से अच्छी तरह समझाया। उन्होंने गॉस ने क्या कहा कि जब भी दो जीवों में आवश्यकताएं समान होगी तो उनके बीच क्या है, संघर्ष होगा। अब संघर्ष में क्या होता है, कई बार तो एक ऐसा संघर्ष होता है जिसमें पूरी जाति ही लुप्त हो जाती है, और कई बार ऐसा संघर्ष होता है कि उनमें पूरी जाति लुप्त नहीं होती, अर्थात कुछ सदस्यों को हानि होती है। तो अलग अलग उदाहरणों के लिए अलग अलग नियम है। तो उनका जो पहला नियम था प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष आक्रमण, एक होता है प्रत्यक्ष आक्रमण या अप्रत्यक्ष शत्रुता, अर्थात ऐसी शत्रुता जिसका कोई अनुभव नहीं है, बताया नहीं जा सकता। तो प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष आक्रमण या अप्रत्यक्ष शत्रुता दोनों संभव है, क्योंकि जब भी प्रतियोगिता होगी तो उसमें प्रत्यक्ष आक्रमण एक सीधा आक्रमण है, और एक जो गैर शत्रुता है वो दोनों को संबोधित किया गया है। एक जीव अपनी स्वयं की जाति से, एक जो भी जीव है वो अपनी स्वयं की जाति से या दूसरे जीवों से भोजन आवास और जन्म के लिए हमेशा क्या करेगा, संघर्ष होगा। देखिए जिस जीव का जन्म हुआ है उसे मरने तक प्रतिदिन अपनी ही जाति के सदस्यों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, यह संघर्ष प्रतिदिन चलता है, यह प्रकृति का नियम है। प्राकृतिक चयन अपने पढ़ा होगा कि प्रकृति उसी का चयन करती है जो श्रेष्ठ होता है, अर्थात प्रकृति में वही जिंदा रहेगा जो श्रेष्ठ होगा, अर्थात दुर्बल या कमजोर है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। अर्थात संघर्ष होता है लेकिन आवश्यकता है, लेकिन अगर दो जीवों की आवश्यकता अलग अलग है, अगर अपन अलग अलग जातियों में संघर्ष देखेंगे तो हमेशा प्रतियोगिता भी अलग अलग प्रकार की होगी। अपन ये नहीं कह सकते कि सभी जीवों में प्रतियोगिता एक जैसी होगी, अगर दो प्रजातियां ले ले तो दोनों में जो प्रतियोगिता होगी वो अलग अलग प्रकार की होगी। इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट समझे क्या कि आवश्यकता में अगर एक ही आवश्यकता है, दो जीव लड़ रहे हैं तो उनकी एक प्रतियोगिता समान है, लेकिन आवश्यकता अगर चेंज हो रही है, अगर आवश्यकता जनन है तो उसमें प्रतियोगिता अलग होगी, भोजन में अलग होगी, आवास में अलग होगी, अर्थात आवश्यकता में अंतर होने पर प्रतियोगिता की प्रकृति भी क्या होगी, चयन होगी। ये सबसे पहला जो पॉइंट था उनका गॉस का नियम क्या था, प्रतियोगिता में प्रत्यक्ष आक्रमण या अप्रत्यक्ष दोनों सम्मिलित है, एक ही अपनी स्वयं की जाति से या दूसरे जीव से भोजन आवास और जनन के लिए संघर्ष करता है, लेकिन आवश्यकता चेंज है। अगर मैं कहूँ भोजन के लिए संघर्ष अलग प्रकार का होगा, आवास के लिए अलग प्रकार का होगा और जनन के लिए संघर्ष क्या होगा, अलग अलग प्रकार का होगा, अर्थात संघर्ष अलग है तो उनकी जो प्रतियोगिता की प्रकृति है वो भी क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी। अर्थात अगर एक छोटा सा उदाहरण ले, दो जीव जनन के लिए लड़ रहे हैं तो उनकी सोच क्या है, प्रजनन करना, लेकिन जब चीज भोजन के लिए लड़ रहे हैं तो उनकी जो प्रतियोगिता होगी वो एक बिल्कुल अलग प्रकार की होगी। तो पहला जो नियम था वो अपन ने समझ लिया। अब दूसरा नियम क्या है कि दो जीव या दो प्राणी उनके बीच आवश्यकताएं अगर बिल्कुल समान है तो उनमें क्या होगी, प्रतियोगिता तेज गति से होगी। अर्थात प्रतियोगिता तेज गति का मतलब क्या है, जब वस्तु ए है और दो जीव हैं इसका उपभोग करने वाले, तो दोनों को क्या लगेगा कि सबसे ज्यादा मैं खाऊं उस चीज को मैं प्राप्त करूं या मैं उसका उपभोग करूं, तो क्या होगा उनके बीच जो प्रतियोगिता है वो भी क्या होगी, तेज गति से होगी। अर्थात जब भी दो जीव विशेष तौर से भोजन के लिए लड़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा उनके बीच जब लड़ाई होती है तो प्रत्येक चीज, क्योंकि देखिए भोजन एक ऐसी चीज होती है मांसाहारी प्राणियों के लिए कि उन्हें प्रतिदिन मिले ये संभव नहीं है। अर्थात कई बार तो शिकार मिल जाता है दिन में बहुत ज्यादा, और कई बार तो 4-5-5-6 दिन उन्हें भूखा रहना पड़ता है। तो अब जब भोजन जैसी परिस्थितियां आ रही है तो प्रत्येक जीव क्या चाहेगा, कि मैं सबसे ज्यादा भोजन करूं। अर्थात अब आवश्यकता समान है भोजन की है तो सभी चीज क्या करेंगे, सभी चीज चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा भोजन करें, तो क्या होगा
उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा है वो भी तेज गति से होगी, अर्थात लड़ाई बहुत तेज होगी और उसमें कुछ जीवों को भोजन प्राप्त होगा जबकि कुछ जीवों को भोजन प्राप्त होगा। बहुत सा दूसरा नहीं क्या है, एक प्राणी दूसरे प्राणी जितना भी समान होगा, उनकी आवश्यकता समान होगी तो उनके संघर्ष क्या होगा, तेज गति से होगा, विशेष तौर से भोजन जैसी कंडीशन में। अब ये तो लोग फोर्स के नियम से वापस डिवाइड कर लेता है, प्रतियोगिता में प्रत्येक साधारण या अप्रतिशोधिता दोनों संबंधित है, एक जीव अपनी स्वयं की जाति से या दूसरे जीवों से भोजन आवास आदि के संघर्ष करता है। अगर प्रतियोगिता अलग अलग प्रकार की है तो आवश्यकता में क्या होगी, अलग अलग, एक प्राणी दूसरे प्राणी जितना भी समान होगा, आवश्यकता समान है तो उनकी प्रतियोगिता भी क्या होगी, तेज गति से होगी। अब बहुत से कुछ उदाहरण है, कुछ देखिए साइंस में हमेशा ध्यान रखना, जब कोई नियम बनता है तो कुछ उसके उदाहरण भी होते हैं और उदाहरण को गॉस ने सबसे ज्यादा समझाया था। देखिए गॉस ने क्या किया, पैरामीशियन की दो प्रजातियां हैं, अपने पैरामीशियन पढ़ रखा है, पैरामीशियन की दो प्रजातियां हैं, एक तो है ऑरिजिन और एक है क्वाड्रेंट। मैं यहां बीच की तरफ पैरामीशियन समझ दीजिएगा। अब इन्होंने क्या किया, इनको एक संवर्धन माध्यम में रखा कृत्रिम तरीके से, अर्थात ऐसा माध्यम जहां ये क्या करे, तेज गति से वृद्धि करे। गॉस का पहला उदाहरण है पैरामीशियन पर। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले पैरामीशियन ऑरिलिया, जिसको मैं पी ऑरिलिया, ठीक है, और दूसरा है पैरामीशियन ऑरिलिया। अब इन्होंने क्या किया, वैज्ञानिक ने सबसे क्या किया, गॉस ने क्या किया, इनको अलग अलग संवर्धन माध्यम रखा और देखा दोनों ही वृद्धि कर रहे हैं। अगर इसको एक समझना चाहें, दो जीवों को आप अलग अलग जगह रखो और आप उनको भोजन उपलब्ध करा दो तो उनमें क्या होगा, संघर्ष नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, संघर्ष नहीं होगा क्योंकि दोनों जीव अलग अलग जगह रह रहे हैं और वो कृत्रिम संवर्धन माध्यम में बैठे हैं, तो क्या होगा, वो वृद्धि करेंगे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी बात क्या थी कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल में इन दोनों को साथ कर दिया, क्योंकि अब प्रतियोगिता होगी। अभी तक क्या है, दोनों जीव अलग अलग बैठे हैं और दोनों को भोजन उपलब्ध है, कोई संघर्ष नहीं होगा क्योंकि अगर भोजन प्राप्त करने वाला एक ही प्रजाति है तो उनके भी संघर्ष होगा, आपस में सदस्य हैं, लेकिन यहां किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो रहा, हो रहा है तो नगण्य। लेकिन जैसे ही इन दोनों को अगर ऑरिलिया और क्वाड्रेंटम को साथ रखा जाता है तो कुछ समय बाद पैरामीशियम क्वाड्रेंटम जो ये जीव होता है ये लुप्त हो जाता है या मर जाता है। अर्थात जब इन दोनों जीवों को बॉस ने अलग अलग रखा तो दोनों ही वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन जब समान अवस्था में अर्थात संवर्धन जो माध्यम है वो समान है, अर्थात समान संवर्धन माध्यम में इन दोनों को साथ रखा तो देखा कि पैरामीशियम क्वाड्रेंटम लुप्त हो जाता है और केवल पैरामीशियम ऑरिलिया जिंदा रहता है। तो गॉस ने इस प्रयोग से ही बताया कि अगर दो जीवों को जब एक ही क्षेत्र में समान आवश्यकता के लिए एक साथ रखा जाता है तो उनमें संघर्ष होगा और संघर्ष में क्या होगा कि एक जीव या तो लुप्त होगा या छोड़ भी जाएगा, क्योंकि यह छोड़ने का स्थान नहीं है, इसीलिए उसकी पूरी प्रजाति क्या हो जाती है, उस संवर्धन माध्यम में जो जीव रह रहे वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इस उदाहरण को हम लिख लेते हैं। Thank you.
क्या मुझे पैरामिशन की दो पड़ जाते हैं, पैरामिशन और ही और पोटेटम को अलग अलग सब वर्ड बातें करते हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन दोनों को एक साथ रखने से क्या होगा, दोनों प्रतियोगिता होगी और पैरामिशन पोटेटम तो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, जबकि पैरामिशन और इंडिया क्या हो जाएगा, तो शेष रह जाएगा, जिंदा रह जाएगा। तो अपना जो पहला उदाहरण था गोश्त का, वो अपन इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देते हैं, देखिए अपन ने पहला जो उदाहरण लिया उसमें तो देखा कि संघर्ष हो रहा है। गॉस ने यह भी कहा कि जरूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले जीवों में हमेशा संघर्ष होगा, अगर आवश्यकताएं अलग अलग है तो उनमें संघर्ष रोका भी जा सकता है, संघर्ष नहीं होगा। सेकंड जो प्रैक्टिकल किया था वो इन्होंने जो पहले नियम था उसके साथ एड किया, उन्होंने कहा कि अफ्रीका जैसे देशों में एक हंसावर नामक पक्षी पाया जाता है, इसकी दो प्रजातियां होती है, ये हंसावर नामक है जो जीव है इसकी दो प्रजातियां पाई जाती है, एक जो हंसावर आकार बड़ा होता है उसे कहते हैं बड़ा हंसावर और एक इसका आकार छोटा होता है जिसको कहते हैं छोटा हंसावर। अब क्या है, दो हंसावर की प्रजाति है, बड़ा क्या है फिनिकोप्टेरस एंटीगुआरस और छोटा जो है फिनिकोनेसस माइनर है। अब ये देखिए क्योंकि इनका आकार बड़ा है, एक का तो आकार बड़ा है एक का छोटा है, अब क्योंकि इनमें आवश्यकताएं अलग है, देखिए जो बड़ा आकार का जो जीव होगा वो क्या करेगा, बड़े आकार की मछलियों को खाएगा, जबकि जो छोटे आकार का जीव होगा वो क्या करेगा, छोटे आकार की मछलियों को खाएगा, क्योंकि प्रजाति अलग अलग है, दोनों जीवों की प्रजाति अलग अलग है। ठीक है, अब जब ये एक ही तालाब में एक में स्मॉल लिख रहा और एक में लार्ज लिख रहा, ठीक है, जब एक ही तालाब में दोनों प्रजातियों के जीव भोजन करने आते हैं, तो चूंकि जो बड़ा हंसावर होता है जिसका नाम फिनिकोप्टेरस एंटीगुआरस, इसका जो भोजन होता है वो बड़ी आकार की मछलियां होती है, जबकि इसका क्या होता है छोटी आकार की सूक्ष्म जीव मछलियां होती है, क्योंकि दोनों का भोजन अलग अलग है। इस कारण देखिए जब दोनों जीव एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं तो उनके बीच संघर्ष नहीं होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आवश्यकताएं समान होगी, देखिए पहला प्रैक्टिकल पढ़ा था अपने पैरामिशन ओनली पोटेटम, उसमें क्या कहा था, जब आवश्यकताएं समान होगी तो उनके बीच संघर्ष होगा, लेकिन जब आवश्यकता समान नहीं होगी तो उनके बीच संघर्ष नहीं होगा। भले दो जीवों को आप एक दूसरे के पास छोड़ दो और दोनों की आवश्यकताएं कह दो अलग अलग है, तो उनके बीच कभी भी संघर्ष नहीं होगा। इसी प्रयोग को इन्होंने समझाया था कि मतलब आप ही सोचिए कि हर बार के जीव आपस में लड़ाई करेंगे संघर्ष करेंगे, ये संभव नहीं है, अगर आवश्यकता समान है तो संघर्ष होगा, आवश्यकता समान नहीं है तो संघर्ष नहीं होगा। इसी चीज को इन्होंने इस उदाहरण से बताया था, इन्होंने क्या कहा, मैं यहां लिखता हूं,
देखिए क्या कारण है कि जब दो हजार पक्षी जिनकी आकार अलग अलग है, आकार अलग कैसे, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे जूलॉजिकल नेम में आप चाहे तो सीधा बड़ा छोटा रख लीजिए और आप चाहे तो उनका जूनर जूलॉजिकल नेम भी याद रख सकते हैं। जब दो पक्षी जिनका आकार अलग अलग है, अब बड़ा जो पक्षी होता है वो क्या करता है, बड़ी आकार की मछलियों को खा रहा है और छोटा है वो छोटे आकार के जीव। अब क्या है, दोनों प्रजातियों में क्योंकि आकार अलग अलग है, भोजन अलग अलग है, अब देखिए आवश्यकता दोनों की अलग है, एक तो बड़े आकार की मछलियां खानी है, दूसरे को छोटे आकार की मछलियां खानी है, अर्थात आवश्यकता अलग अलग है तो इनके बीच संघर्ष नहीं होगा। यही चीज समझाई थी कि जब दो अल्पावर पक्षी जिनका आकार अलग अलग है, इसका बड़ा अल्पावर पक्षी बड़े आकार की मछलियों को जबकि छोटा अल्पावर पक्षी छोटे आकार की मछलियों को खाता है, इस कारण एक ही तालाब में रहने के साथ ही इनकी आवश्यकता अलग अलग होने का है, इनमें प्रतिस्पर्धा क्या होगी, नहीं होगी, अर्थात ये दोनों जीव रहेंगे। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लिया, तीसरा अपन एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। गॉस, ये सारे एग्जाम्पल गॉस के ही हैं। अब तीसरा जो उन्होंने उदाहरण लिया वो लिया आटे में। आटे में आपने देखा होगा बीटल पाए जाते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनकी दो प्रजातियां जो होती है वो रहती है, जिनमें से एक होती है ट्राइबोलियम ट्राइबोलियम कैस्टेलियम ट्राइबोलियम कैस्टेलियम, जबकि दूसरी होती है ट्राइबोलियम कन्फ्यूसम। क्या है, ट्राइबोलियम कैस्टेलियम और ट्राइबोलियम क्या है, कंफ्यूजन। अब जब इनको एक ही माध्यम में, जब इन दोनों प्रजातियों को एक ही माध्यम में रखा जाता है तो क्या होगा, कैस्टेलियम जो होता है वो क्या करेगा, जब इन दोनों को एक ही संवर्धन माध्यम में रखा जाता है तो क्या होगा, ये जीव ट्राइबोलियम कंफ्यूजन को अपनी क्या करेगा, मात्रा अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, जबकि ये क्या करेगा, अपनी मात्रा में कमी करेगा। अर्थात इन दोनों की अगर वृद्धि दर कहें, अगर वृद्धि दर की बात करूं तो इसकी वृद्धि दर क्या होगी, ज्यादा होगी और इसकी वृद्धि दर कम होगी, कम होगी। अर्थात दोनों जीव रह रहे हैं, ये जब है जब इन दोनों को एक माध्यम में रखा। अब इनमें क्या किया, बॉस ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, इनके बीच क्या किया, एक टोटल जो एडेलाइना को छोड़ दिया। अर्थात जिस संवर्धन माध्यम में ये रह रहे थे वहां पर उन्होंने एक टोटल जो एडेलाइना को छोड़ दिया। अब एडेलाइना को छोड़ने से क्या हुआ, इन्होंने ये देखा कि जब इसको नहीं साथ रखा जाता है, इन दोनों जीवों को साथ रखा जाता है, तो इन्होंने देखा कि ट्राइबोलियम कैस्टेलियम की जो वृद्धि दर है वो कम है, जबकि ट्राइबोलियम कन्फ्यूजन की वृद्धि दर क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब इन्होंने एक टोटल जो एडेलाइना को एक साथ रखा, इन दोनों के साथ रखा, तो इन्होंने देखा कि जो कैस्टेलियम होते हैं वो कुछ देर बाद लुप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाता है, जबकि कन्फ्यूजन जो जीव है उसकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उनका कहने का मतलब क्या है, जब तक ये प्रोटोजोआ नहीं था तब तक उन जीवों में संघर्ष क्या था, इतना नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें प्रोटोजोआ जीव छोड़ा जाता है उन दोनों जीवों में क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। और संघर्ष में क्या है, एक जीव क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है, और जबकि दूसरा जीव पर क्या हो रहा है, प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रतियोगिता बेसिकली है क्या, अब ये आटे के बीटल के दो जीव है, तो अपन ने इस बॉस के नियम में अच्छा उदाहरण क्या देखा, एक उदाहरण ये देखा कि जब आवश्यकताएं समान होगी, अर्थात दो आवश्यकताओं के लिए जीव एक दो जीव एक ही वस्तु पर निर्भर है, तो उनमें संघर्ष होगा और दोनों जीवों को नुकसान है, एक प्रजाति को नुकसान है, लेकिन जब आवश्यकता अलग अलग होगी तो उनमें कोई भी संघर्ष नहीं होगा। तो जो तीसरा उदाहरण था आपने देखा होगा कि दो प्रजाति एक रहे हैं, एक वृद्धि कर रहा है और एक क्या कम वृद्धि कर रहा है, लेकिन जब इनके बीच में प्रोटोजोआ छोड़ा जा रहा है तो क्या होता है कि दोनों में से एक प्रजाति बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है। तो जो तीसरा उदाहरण था हमारा वो ये था प्रतियोगिता का। अब हम चौथा एक उदाहरण और,
अब चौथा जो उदाहरण है गौस ने समझाया बाबलर पक्षी के बारे में। अमेरिका में एक बाबलर पक्षी पाया जाता है, जो क्या होता है कि इसकी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। गौस ने इनकी कुल 5 प्रजातियों का अध्ययन किया। देखिए प्रजातियां अलग अलग है तो सभी प्रजातियों का अध्ययन करना संभव नहीं होता, तो गौस ने क्या किया इनकी कुल 5 प्रजातियों का अध्ययन किया, जिनके नाम है मिटल, कॉमन नाम है मिटल बाबलर, ग्रे ब्रेस्टेड बाबलर, कैपवे बाबलर, लेग बनियन बाबलर और काले कंठ वाला बाबलर। अब इन्होंने ये देखा कि ये बाबलर की 5 प्रजातियां एक ही पेड़ से भोजन प्राप्त करेगी, लेकिन जो भोजन करने वाले स्थान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अर्थात एक पक्षी अगले स्थान से भोजन प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा किसी दूसरे स्थान से, तीसरा तीसरे स्थान से, चौथा चौथे स्थान से और पांचवा पांचवे स्थान से भोजन प्राप्त करेगा। अर्थात गौस ने देखा कि जो भी 5 प्रजातियां एक ही क्षेत्र में रह रही है, यदि 5 प्रजातियां भोजन अलग अलग जगह से प्राप्त कर रही है। अब देखिए आवश्यकता क्या है, अगर इसको अगर आप समान शब्दों में कहें तो अलग अलग जगह से प्राप्त कर रही भोजन, तो इसका मतलब क्या है इनके बीच आवश्यकता क्या है अलग अलग है। अब आवश्यकता अलग अलग है, अलग जगह से भोजन प्राप्त कर रही है, तो इनमें संघर्ष होगा कि होगा, नहीं होगा, क्योंकि आवश्यकता अलग अलग है। अगर अलग अलग जीवों को अलग अलग जगह से भोजन प्राप्त कर रहा है तो वो एक दूसरे के स्थान पर क्यों जाएंगे। जब ये 5 प्रजातियां अलग अलग जगह से भोजन प्राप्त करती है तो इनमें संघर्ष भी क्या होता है कम या नगण्य होता है। देखिए जूलॉजी में हमेशा कई जगह नगण्य यूज होता है और कई जगह कम होता है। अब अपन इनको अलग अलग मानते हैं लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है नगण्य, क्योंकि अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग स्थान से भोजन प्राप्त कर रही है, उस कंडीशन में इनमें संघर्ष लगभग नगण्य होगा। तो आज जो हमने प्रतियोगिता के उदाहरण देखे गौस के, तो गौस ने क्या समझाया, इसलिए बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि प्रतियोगिता को समझाइए और अपना इसको समझाते हैं। देखिए जूलॉजी में क्या है, अपना जो इकोलॉजी पेपर है पारिस्थितिकी, इसमें उदाहरण बहुत सरल है और एक बार आपने उदाहरण को पढ़ लिया तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे और इकोलॉजी में सबसे ज्यादा स्कोर आता है, नंबर आते हैं। तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो कि बाबलर की 5 प्रजातियां हैं, अलग अलग जगह रह रही है, अगर वो अलग अलग जगह से भोजन प्राप्त करेगी तो उनमें संघर्ष नहीं होगा। तो गौस ने अपने 2 ही नियम बताए थे, नियमों में क्या कहा था कि शक्तिशाली जीव है एक ही क्षेत्र में रहेगा, उनमें क्या होगा हमेशा क्या है संघर्ष है। अब आवश्यकता है समान है, अगर आवश्यकता है समान है तो संघर्ष भी क्या होगा तेज गति से होगा, इनका दूसरा नियम था। अगर आवश्यकता है जितनी समान होगी ज्यादा उतना संघर्ष तेज होगा, जितनी आवश्यकताएं अलग अलग होगी उनके बीच संघर्ष भी क्या होगा कम या नगण्य होगा। तो आज हमने जो 4 उदाहरण देखे, तो 2 उदाहरण तो आपने देखा होगा जैसे पैरामीशियम और ये बीटल वाला, जिसमें आपने देखा कि प्रतियोगिता हो रही है, और जबकि 2 उदाहरण आपने देखे हंसावर पक्षी और बाबलर पक्षी, आपने देखा कि इनमें संघर्ष नहीं हो रहे हैं। तो गौस ने 4 प्रयोगों से एक ही चीज समझाई कि जब आवश्यकता समान है तो संघर्ष होगा और जब आवश्यकता नहीं है समान तो संघर्ष नहीं होगा। तो आज जो हमारी क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हमने क्या पढ़ा अंतर जाति संबंध में, जो एक चौथा टॉपिक हमारा रह गया था प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन कहते हैं जिसको, विशेष तौर से हर जगह होता रहता है, कुछ अंग के लिए होता है, कुछ प्रजातियों भोजन आवास जन्म के लिए होता है। प्रतियोगिता तो जीवों में जिंदगी पर चलने वाली प्रक्रिया के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव को प्रतिदिन अनेक प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। और प्रकृति का चयन, प्राकृतिक चयन वाद क्या कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जीव वही जिंदा रहेगा जो क्या होगा विजेता होगा, अर्थात जिंदा रहेगा। तो आपने इन 4 से पढ़ा प्रतियोगिता। अब जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लिविंग की न्यूनता का जो नियम होता है, लिविंग ने जो प्रभावकारी न्यूनता का नियम दिया था उसके बारे में चर्चा करेंगे।